मम्मी क्या बनाया है आपने? अच्छे से बन गए? अब तक ट्राई नहीं किया है ना। अब मैं सुबह सुबह रेडी हो गया हूँ और अब हम जा रहे हैं दिल्ली। आज इस बार जाने दिल्ली के टर्मिनल 2 पे है। अब हम टर्मिनल कर ले एक बार। मम्मी बना दो लोग। टर्मिनल 2 के सामने आ चुके हैं। ओ फोटो खींच। तो हमारा फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। एक फोटो से अच्छी आई। तो मम्मी अपना रोते हुए व्लॉग नहीं बनवाना चाहती और अब मैं जा रहा हूँ। बाय माँ। अब मैं कॉलेज पहुंच चुका हूं और अब मैं सुपरनी का जो हॉस्टल उसकी तरफ जा रहा हूं। मैं इसका टाइम हो चुका है 7:30 बजे। रूममेट रूम में नहीं है और मैं आ गया। शायद मैस में गया है रूममेट, क्योंकि आसपास के सभी गेट पर लगभग ताला ही लगा हुआ है। बस इसको छोड़ के ये रूम की अलर्ट कर रखी है रूममेट ने। वैसे मैं अब मैस नहीं जा रहा था क्योंकि घर से एक जो मम्मी ने परांठा बनाया था वो लेके आया था, वही खाने वाला था, लेकिन आज आइसक्रीम मिल रही है तो उसके लिए जा रहा हूँ। सब खा के अब आ रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ। पहले रूम में डस्टबिन नहीं था, डस्टबिन आ गया है। मेरे को नहीं पता कहाँ से आया है। आज पता नहीं लाइट के साथ क्या दिक्कत है, आई नहीं रही। मतलब इतनी ज़्यादा लंबा कट मार रही है, आ रही है तो भी अच्छे से नहीं आ रही। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइट के साथ। आज अभी दिन में फिर भी ठीक है, रात को ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अंधेरे में। तो बस होप करते हैं कि रात तक कम से कम जो लाइट है वो स्टेबल हो जाए। ये जो अब आपको हॉस्टल में लाइट दिख रही है ना, ये नहीं थी, आज सुबह से प्रॉब्लम चल रही थी ना लाइट में, तो अब रात को शाम को लाइट गायब ही हो गई। और मैंने पूछा तो वो कह रहे रात को आएगी नहीं, तो अब तो लाइट आ गई है, ये अच्छी बात है। तो कोई प्रॉब्लम आ गई थी तो ये स्वप्निका, अगला जो हॉस्टल है नंदिनी और संभवी, जो तीन हॉस्टल्स हैं उनमें आई थी प्रॉब्लम। बाकी कहा गया था कि लाइब्रेरी जा सकते हैं या फिर हम जो क्लासरूम है, क्लासरूम का कहा गया था बस खुली नहीं थी, लाइब्रेरी जा सकते हैं। उसमें प्लग नहीं, प्लग बस दो ही हैं, तो चार्ज होने में दिक्कत आ रही थी फ़ोन को। तो अब आधे रूम्स में आ गई है लेकिन आधों में प्रॉब्लम है। जैसे ये अनुराग वाले में लाइट की प्रॉब्लम है लेकिन मेरे वाले में लाइट ऑन हो गई। अब पूरी लाइट फिर से गई।